अस्सलाम वालेकुम फिटनेस फैक्ट के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद जिया यानू। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक नए और जबरदस्त नुस्खे के साथ आप अहबाब की हिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा लेकर आपकी हिदमत में हाजिर हुआ हूँ, यकीन माने कि उसकी अगर मैं तारीफ ना भी करूँ तो वो इतना बेहतरीन नुस्खा है कि अगर आप उसको लगा लेंगे तो इस कदर आपको ताकत मिलेगी, इस कदर आपको शेहवत आएगी कि जब तक आप उसको धोएंगे नहीं, आप उसको साफ नहीं करेंगे, तब तक हड्डी बना रहेगा आपका। और यकीन जाने इस कदर रहेगा कि उस दौरान आप करते हुए लुत्फंदोज इतने ज्यादा होंगे कि आपका दिल ही नहीं करेगा, रात से सुबह हो जाएगी लेकिन आपका बैठेगा नहीं। इतनी बाद में शर्तिया कहता हूँ कि इसको सिर्फ आपने लगाना है और लगा के आपने क्या करना है, शुरू हो जाना है, फिर आपने देखना है कि इसके फायदे और इसके क्या आपको नतीजे मिलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा कि आप खुद जो है ना वो साफ रहा करें। जब आप खुद साफ रहेंगे तो आपकी जो सेहत है वो बहाल रहेगी। लेकिन बचपन की कुछ गलतकारियों की वजह से है कुछ लोगों को ये नुकसान होता है कि उनका शादी के बाद महीना दो महीना ठीक रहता है, उसके बाद वो उठते ही नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं, जैसे बटेरे को बंदा हाथ में पकड़ के वो करता है, इस तरह भी करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो खड़ा नहीं होता और बाद में क्या होता है, वो नाराजगी का बायस बन जाता है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हम आपको ऐसे ऐसे जबरदस्त सादा और आसान नुस्खे बताएंगे जो आप खुद अपने हाथों से बनाकर इस्तेमाल करेंगे। बगैर किसी साइड इफेक्ट के नुस्खे होते हैं, ये हमारे बहुत ही मेहनत और कोशिश के साथ ढूंढ के हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें क्योंकि आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। जब आप एक वीडियो पूरी वॉच करेंगे आपको पूरा नुस्खा बनाने से लेकर लगाने तक का अमल पता लगेगा, तो आप जिस टाइम लगाएंगे तो वो आपको फायदा देगा, जिनना के जब आप स्किप करके देखेंगे तो उसमें कोई बातें ऐसी होती हैं, ये कुछ हो सकता है तरीके में या बनाने में आपको जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और वो बाद में आपके लिए मसला बने। वीडियो का आगाज करता हूं दोस्तों बगैर किसी तकरीर के। सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फिटनेस फैक्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आप तक आसानी पहुंच सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। तो आइए चलते हैं दोस्तों, नुस्खे का आगाज करता हूँ। आपने अब देखना है आपने क्या क्या चीजें लेनी है और आपने किस तरह उसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने लेना है बनोला। बनोला आप इस कदर लें, इतना होना चाहिए कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। मतलब आप ले लें 5 ग्राम बनोला, लेकर आपने क्या करना है उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो कूट लेना है। अगर कूटते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो उसके क्या करें कि 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी में डालकर उसको अच्छे तरीके से पका लें, उसको जोश दे दें। जब आप जोश देंगे उसको तो वो पुख्ता हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, उसमें थोड़ी सी दालचीनी बारीक करके आपने मिला लेनी है और कजीफ वो कफ पाए पर मले। मतलब कि आप अपने ये जो तलियां हैं हाथ की तलियों से नीचे नीचे ये जो बाजू होती है इस पर आपने और अपने पाओं के जो तलवा होते हैं आपने उस पर इसको लगाना है, बकाए रोगन तक नौजे दफा ना होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जब तक इसको धोएंगे नहीं या इसको साफ नहीं करेंगे तब तक आपका सौदा जो है वो हड्डी बना रहेगा और आप करते ही रहेंगे, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, आपको किसी किस्म की कमजोरी नहीं होगी। इतना बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ही मुजरब नुस्खा है, बहुत बड़े हकीम हैं जो हिकमत की दुनिया के हैं, मैं उनका ये नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ आज और बताया है और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि जो भाई अपनी किसी को बात बता नहीं सकते परेशानी की वजह से या जो शर्माते हैं वो किसी से बात नहीं कर सके, तो जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो उन तक भी वीडियो पहुंचेगी और वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है नुस्खा आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ गाली से भी नए और ज़बरदस्त नुस्खे के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।